जीवन का भरपूर आनंद उठाएं। आयु लाइन के हर्बल जूस अपनाएं। जागृत जम्मू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। आज के स्पेशल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और ये स्पेशल कार्यक्रम मेरा जो स्टार्ट होने जा रहा है ये नारी शक्ति के ऊपर है। नारी शक्ति के पहले एपिसोड में आप सबका तहे दिल से स्वागत है और सबसे पहले ये कहूंगी इस नारी शक्ति को लाइक शेयर और कमेंट करके आगे बढ़ावा जरूर दे, क्योंकि आज नारी शक्ति देश विदेश में हर मर्द के साथ कंधा मिलाकर चल रही है। तो इसी एक नारी शक्ति से मिलवाने जा रही हूँ और उनका नाम है अंजू बंसल जी। वो एक सोशल वर्कर भी है, टीचिंग लाइन में भी उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। कोई ऐसी चीज नहीं उन्होंने छोड़ी जिसका नाम मैं नहीं ले सकती, तो उन्हीं के मुंह की जुबानी सुनती हूँ। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं ये जानना चाहूंगी आपका बर्थ प्लेस कहाँ का है और साथ ही में आपने अपनी स्कूलिंग, अपना कॉलेज कहाँ से किया? मैं मैम बेसिकली बॉर्न बठिंडा की हूँ। बर्थ प्लेस मेरा बठिंडा का है और पंजाब आप जानते होंगे, और वहाँ पे सबसे पहले अगर मैं स्कूलिंग की आपने बात पूछी है तो वही बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जो मेरा, जैसे आज बच्चे नर्सरी केजी करते हैं तो मेरी थर्ड फोर्थ तक मेरी आर्यस मार स्कूल बठिंडा में हुई, और उसके बाद फिफ्थ क्लास से लेकर टेंथ क्लास तक जो है मेरा एसएसडी गर्ल्स स्कूल सनातन धर्म स्कूल में मेरी शिक्षा हुई है। देन उसके बाद एसएसडी गर्ल्स कॉलेज बठिंडा में ही मेरी ग्रेजुएशन हुई, और उसके बाद मैंने जो एमए किया इन पॉलिटिकल साइंस में मेरी एमए है। तो मैं एमएससी एमए बीएड हूँ मैम। ये जो मेरे अंदर संस्कार आए, अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले मेरी माता मम्मी के संस्कार, माँ के संस्कार जो थे वो, मम्मी एक मतलब भजन मंडली की कीर्तन की एक इंचार्ज हुआ करती थी, तो हमें बचपन में वहां ले जाया करते। तो आगे जैसे जैसे समय बीतता गया तो हम मम्मी के साथ बैठे भजन गाया करते थे, रामायण पढ़ना, भजन करना, इन चीजों से हमारा आगे इंटरेस्ट बढ़ता गया। अंजू जी, मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपकी मैरिज कब हुई और मैरिज के बाद जो जो आपने कलाएं सीखी क्या उसको लेकर कुछ मुश्किलें आई आपकी लाइफ में, या आपके जो लाइफ पार्टनर थे उन्होंने पूरा सपोर्ट किया? मेरे लाइफ पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो वो एक देवता से कम नहीं है। रीजन इज दैट कि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। आज मैं ये जब मैं सुनती हूँ कि लड़की को पढ़ाना चाहिए, लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं हमेशा कहती हूँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटों को भी समझाओ साथ साथ में। ये मेरा एक खुद का भी एक राय है आपको कि हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया, लेकिन एक नारी को जैसे जैसी मुश्किलें आती हैं तो मुश्किलों को हमने मुश्किलें नहीं समझा। रीजन ये भी रहा कि इन्होंने सपोर्ट किया, मेन बात हस्बैंड ने सपोर्ट किया। ससुराल के अंदर अगर मेरे अंदर और ज्यादा जो गुण आए, माँ से ज्यादा मेरी सास ने मेरा साथ दिया। रीजन क्या था कि मम्मी ने हमें इतनी कलाएं सिखाई, खाना हालांकि बहुत अच्छा बचपन में सीख भी लिया था, मम्मी के घर में भी सीखा। उस समय क्या होता था कि जो बच्चे थे ना वो बच्चे इस तरह से काम करते थे, माँ की आज्ञा का पालन करना, माँ के साथ काम करना, कोई भी घर में सपोर्ट या हेल्पर नहीं होता था। हमने वो सभी काम किए हुए, अगर आप पूरी डिटेल में जिस दिन बैठेंगे मेरे साथ में पूरा डिटेल सुनाऊंगी आपको कि किस प्रकार से हमने छोटे से छोटा काम खुद किया हुआ है। सबसे पहले आपने अपनी कला का पैर जो उठाया वो कब उठाया, उस वक्त आपने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट किया क्या कि पहले तो जैसे एक हिंदू नारी का एक धर्म होता है, जैसे मैं पूरी फुल फ्लेज अपने घर में डिवोटी हुई, 7-8 साल मैं कहीं नहीं गई, 7-8 साल मतलब 3 या 5 साल के बीच में इसमें बच्चे भी हो गए, उनको पाला पढ़ाया, मतलब स्कूल में भेजा, एकदम से पता नहीं क्या मतलब मन में भी आई कुछ, इनके भी आई। तो मैंने सबसे पहले जब स्टार्ट किया
एक छोटा सा क्रच स्टार्ट किया, एक छोटे से रूम के अंदर मैंने जब क्रच स्टार्ट किया, इनको इन्होंने हालांकि मना किया, नहीं मैं करने दूंगा, जब कुछ है छोड़ो, बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, तो उतार चढ़ाव तो खैर लाइफ में बहुत आए, बहुत। क्रच आपने ये छोटे बच्चों का स्टार्ट किया? छोटे बच्चों का, जैसे मैंने क्रच छोटे बच्चों का स्टार्ट किया तो फर्स्ट ईयर ही मेरे पास 33 स्टूडेंट्स आए, तो मैंने बड़ी मेहनत से उनको इकट्ठे किया और बड़ी लगन से उनको खुद ही कराती, सिंगिंग भी कराती, भजन कराती, प्रेयर कराना सब मैंने खुद में किया। देन पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, क्या ईश्वर ने मेरे में देखा, या उसने मुझे नेक्स्ट ईयर ही मुझे एक स्कूल जो था बनाने का, मेरे को सौभाग्य मेरा मिला, मेरे फादर और मेरे हस्बैंड ने मिलके जो सहयोग से जो हमने जब स्कूल बनाया उसके अंदर 90 के करीब बच्चे हो गए दूसरे। फिर धीरे धीरे करके जैसे ही हमने स्कूल को बनाया तो उसमें 200 400 300 बच्चे तो हो गए, लेकिन मैंने पूरे, मैंने ना एक सेवा भावना की ना, तो उसके कारण हुआ क्या कि मैंने गरीबों की मदद करनी शुरू की, पूरी फुल एक्टिविटीज कराना, तो सब कुछ मतलब चलता रहा, बड़ा अच्छे से चला। बहुत बढ़िया, नारी शक्ति की दाद देनी चाहिए, इन्होंने कंधे के साथ कंधा मिला के तो चले मगर अपना नाम इस तरह से रोशन किया कि इनके स्पोर्ट को लेकर और भी महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ती चली जा रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुछ ऐसी एनजीओ से हैं, इन एनजीओ का भी ये पार्ट है, तो जानते हैं इन्हीं की जुबानी। तो अंजू बंसल जी, किस तरह से आपने उस वक्त साथ दिया और कौन सी एनजीओ जो है वो चला रही हैं? एनजीओ में जब जो भारत विकास परिषद है 1996 में, अभी मैंने स्कूल नहीं बनाया था उस समय हम रहते थे, तो मेरे एक फ्रेंड थे तो उन्होंने कहा कि हम भारत विकास परिषद ज्वाइन करते हैं। तो जब मैंने 1996 में भारत विकास परिषद ज्वाइन करी तो उस समय मेरे को लगता है जेंट्स का ही इनका हुआ करता था, पहला सबसे पहला लेडीज का विंग बना था जिसके अंदर मैंने सबसे पहली स्पीच, सबसे पहला जो रोल मैंने अदा किया वहां पे। तो उस समय दो या तीन चाचा लेडीज हमने शुरू में ग्रुप बनाया था, तो जिस समय मैं 2005 में यहाँ जम्मू में शिफ्ट किया तो मेरे को लगता है 30 से 40 लेडीज मैंने तैयार कर दी थी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ आपको गाने का भी शौक है, तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप कुछ गाना भी सुनाए। गाने में आप क्या सुनना चाहेंगे? जो आपका फेवरेट सॉन्ग है वो आप सुनाए। और वैसे आप क्या क्या गाती हैं? वैसे मैं पंजाबी सॉन्ग भी गाती हूँ, हिंदी भी गाती हूँ, भजन गाती हूँ, कीर्तन करते हैं, सब इसमें है। तो सबसे पहले मैं जो अगर मैं चाहूँ तो ईश्वर का धन्यवाद करने में उसका शुक्रिया के मतलब करना चाहूंगी, तो उसकी दो लाइनें सुनाती हूँ आपको। तो जी हाँ दोस्तों, जुड़े रहे अंजू बंसल जी के साथ, तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद। वेलकम बैक, चलिए आइए सुनते हैं अंजू बंसल जी से एक प्यारा सा भजन। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हाँ, बहुत बढ़िया, आपकी आवाज में तो इतनी सुरीली आवाज है कि आपका ये सुनते सुनते मेरा भी मन मोह गया। और क्या सुनाएंगे आप? जैसे कहते हैं पंजाबी सॉन्ग्स भी आपको पसंद है, वो भी गाते हैं, तो वो भी कुछ पेश करें। मेरे को लगता है अगर मैं बचपन का सॉन्ग सुनाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जरूर, क्यों नहीं, जरूर जरूर। पंजाबी में इंटरेस्ट रखेंगे लोग? जी क्यों नहीं, पंजाबी भी इंटरेस्ट है। पंजाबी में सबसे पहले जो मैं बचपन का सॉन्ग गाया करती थी कि एक मेरी घर में दीदी थे तो उन्होंने हमें सिखाया था, उसके अंदर जैसे आपने सुना होगा कि तीज का त्योहार आता है तो उसके अंदर जब अभी तो कुछ भी और मतलब सब फॉर्मल से बातें हो गई हैं, होटलों में ये चीज सेलिब्रेट की जाती है। उस समय क्या था कि तीज का त्योहार मनाने के लिए खुले मैदान में, खुले वातावरण में जाया जाता था, तो उस समय क्या है जो रस्सी कूदना या रस्सी से पिंग बनाते थे, झूला बनाते थे,
तो उस झूले को झूलने के लिए लड़कियां अपने मायके आती, सखियों से मिलती, इस प्रकार से तीज का त्योहार मनाया जाता था। तो वहां पे ननद और भाभी दोनों भी जैसे जाती हैं, तो किस प्रकार से ननद, पहले तो ये था ना कि इतना ज्यादा संस्कारी लेडीज महिलाएं हुआ करती थी कि सर से कभी दुपट्टा ही नहीं उतरता था, बड़ों का आदर मान सम्मान इस तरह किया जाता था, तो कपड़ों के अंदर पूरी तहजीब से रहा जाता था। तो गांव में वो शादी हुई उस महिला की, तो वो क्या गाती है, अपनी ननद के सब जाती है, तो वो गाना गाने के जरिए उन आपको सुनाना चाहूंगी। तो ननद को कैसे कंप्लेन करती है वो, नन्ने बेई माने अखा फेर गिर काने केही वीर नू कसूती लुती लाई नन दे नी अज तैं मैनू मार पवाई नन दे अज तैं मैनू मार पवाई नन दे। प्यारे में देखना बड़ा सुंदर सा आपको दिखेगा उसकी शिकायत का, तू ही खिच तू के मैनू पियां विच लेके गई मैं संग दी संगोंदी नी मैं पींग छूट लई तू ही खिच तू के मैनू पियां विच लेके गई मैं संग दी संगोंदी नी मैं पींग छूट लई ओ पींग चढ़गी हुलारे सिरों चुन्नी लथ गई पींग चढ़गी हुलारे सिरों चुन्नी लथ गई पिंड सौरे आंदे मच गई दोहाई नन दे नी अज तैं मैनू मार पवाई नन दे अज तैं मैनू मार पवाई नन दे। दो लाइन और सुनाना चाहूंगी, तुम्हें भैने ओ भरा मैं बगाने दी थी, कैसे शिकायत करती है वो, तुम्हें भैन ओ भरा मैं बगाने दी थी नहीं ननाने हुंदा सारे आंदा इको जिहा जी तुम्हें भैने ओ भरा मैं बगाने दी थी नहीं ननाने हुंदा सारे आंदा इको जिहा जी होर थोड़े उस चंद्रे दे दिल विच की अज फिरदा है मथे वट पाई नन दे नी अज तैं मैनू मार पवाई नन दे आज ते मैनू मार पवाई नन दे। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है मेरे दर्शकों को आज ये जो नारी शक्ति का एपिसोड नंबर 1 है बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ बंसल जी मैं ये चाहूंगी आप बजाने का भी शौक रखते हैं तो इसको भी बजा के कुछ प्यारा सा गीत सुनाए। मैं थोड़ा सा इतना ट्यूनिंग करवाने वाली है तो मैं कोशिश करती हूँ इसके साथ भी ले, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है मेरी, प्रैक्टिस बिल्कुल छूट गई है। अगर आपने शौक कोई भी नहीं छोड़ा, बात करें अगर शौक की तो आपने गाने को भी शौक रखे, टीचिंग का भी, सोशल वर्कर भी है, एनजीओ भी आप चलाते, कोई ऐसा काम है जो आपने छोड़ा है? ऐसा है मैम, पता क्या है, मेरा जीवन का एक लक्ष्य ये है कि जीवन को जी लो। सब नारी शक्ति को कहूंगी जीवन को जीना चाहिए, हमें बर्डन नहीं समझना चाहिए कि ये जीवन में हो क्या रहा है। हम लोग अक्सर ये कहते हैं ये हो क्या रहा है, मेरे साथ ये नहीं हुआ, उसने ये कह दिया, इसे ये कह दिया, तो हम उन बातों को लेकर के ही जब अपने मन में मन मुटाव रखते हैं अपने, ये समझ लो हम किसी का नुकसान नहीं करते, हम खुद का करते हैं, तो हमें अपने आप को मतलब मजबूत बनाना चाहिए। मैं ये कहूंगी कि मजबूत बनाइए कोई भी प्रॉब्लम है। मैं दर्शकों को ये भी कहना चाहूंगी अगर किसी भी नारी को, किसी बच्ची को, किसी को हमारी जरूरत है तो हमारा कोई प्रोफेशनली मैं बात नहीं करना चाहती, तो मैं ये कहूंगी वो मेरे पास आए तो हम हर तरह की उनके सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, क्योंकि हमने बहुत कुछ देखा है लाइफ में। जी हाँ दोस्तों, मैं अंजू बंसल जी का मोबाइल नंबर स्क्रीन पर फॉरवर्ड करूंगी, आप उनके नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इनसे दो बोल। हाँ जी, गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुखर सुधार वर नौ रघुवर विमान गज जो जो धायक फल चार बूटीन तनु गान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देओ मोय हरियो कलेश विकार दिया वर राम
जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। वाह जी बहुत बढ़िया, आपकी तो आवाज में जादू है। ऐसा लगा मुझे जैसे लता मंगेशकर जी जिस तरह से गाती हैं बिल्कुल वैसे ही नहीं, सरस्वती माता जी का पूरा पूरा मैं चाहूंगी कि बच्चों में अच्छे संस्कार का पैदा करना मेरा मुख्य उद्देश्य था, है और रहेगा। क्योंकि स्कूल में भी हम जब प्रेयर करवाते तो मैं एक घंटों जब बोलना शुरू करती थी तो बोलती रहती, तो इतना अच्छे अच्छी बातें हम करते, भजन गाना, योगा कराना। मैं योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, मैम आपको बता दूं पतंजलि से जुड़ी हुई हूँ मैं, तो लाइफ नंबर भी हूँ मैं। देखो बड़ा अच्छा लगता कि सबसे ज्यादा पता क्या है, हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। फिर हमें अगर स्ट्रेस से है ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये हमें बहुत जरूरी है। तो और आप क्या पूछना चाहेंगे? पूछना तो बहुत कुछ चाहती हूँ मगर टाइम की कमी होने की वजह से थोड़ा सा दर्शक जानना चाहेंगे और आपने लाइफ में क्या क्या किया और आगे चल के आप लाइफ में क्या करने वाले हैं। देखिए मैम अभी वैसे तो दर्शकों को पता ही चलता होगा मेरी उम्र का, अगर मैं बता भी दूंगा तो कोई वो नहीं है, 58 प्लस मैं हूँ इस समय। पर लगते नहीं है आप तो बच्चे जो है मेरे मैरिज हो चुकी है दोनों बेटियों की और बेटे की, तो अभी मैं दादी भी हूँ और नानी भी। ओ, बट लगते नहीं है, मैंने पहले ही बोला आप लगते नहीं है दादी नानी तो कहने का मतलब ये है कि हमें बच्चों में जो अच्छे संस्कार देने ना मैडम वो बचपन से ही देने पड़ेंगे। हम एक एक चीज में आपको वैसे मैं अगर कह दूं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, दर्शकों को भी समझ आएगी इस बात की कि हमें पता क्या करना है। हम लोग पुराने समय में ओबे बहुत करते थे, माता पिता का कहना बहुत मानते थे, तो जैसे पेरेंट्स ये नहीं कि वो पेरेंट्स हमें प्यार नहीं करते थे वो, लेकिन सख्ती से हमें अपनी बातों को मनवाते भी थे और कहते भी थे। हम लोग क्या करते हैं अब बच्चों को, बच्चे एक हैं दो हैं तो हम बच्चों को बड़े ही मतलब नातों से पालते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो बच्चा है बचपन से वो बातें नहीं सीख पाता जो हम सिखाना चाहते हैं। बाद में हम उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा भी जैसे श्रवण कुमार की तरह बने, लेकिन उसको बनाने के लिए कुछ पेरेंट्स को भी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हमने अपना टीवी तक बंद कर दिया था देखना उस समय। अभी भी मैडम आगे एक बात और बता दूंगी साथ साथ में, अगर आप देखो ना टीवी जब भी चलता है तो मेरा जो संस्कार चैनल चलेगा या मेरा पीस ऑफ माइंड चलेगा या मेरा आस्था चैनल चलता है, मैं आस्था चैनल दिन रात मतलब उसी को फॉलो करती हूँ। तो रीजन क्या है कि वो एक लगन लग गई है कि हमने अच्छाई को ही देखना है, दूसरी बातों को देखना ही नहीं है। जब भी हम टीवी चलाते हैं ना तो आपको भी पता है मोबाइल भी चलाते हैं टीवी चलाते हैं कुछ भी ऐसी बात लगता है कि हमें ये हम तुरंत उसको मतलब कोई प्रेस कर देते हैं बटन को कि नहीं हमने ये देखना ही नहीं। तो ये बातें आती पता कैसे है, मैं ये चाहूंगी कि बचपन से हमने बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा करने हैं। अगर आप अच्छे संस्कार पैदा करने हो है तो पेरेंट्स को भी उस तरह से उनके करना चाहिए। अब पहले ऋषि मुनियों के टाइम में क्या था, गुरुकुल हुआ करते थे, तो वहां पे गुरुकुल में अस्त्र शस्त्र विद्या सब बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना देती थी। ठीक है 16 या 18 साल तक बच्चा बाहर रहता मजबूत बन के घर में आता तो माता पिता को कभी नहीं छोड़ता। आज क्या है आपने देखा होगा बच्चों को लाड प्यारे में पढ़ाएंगे लिखाएंगे फिर वो क्या करेंगे, जब जैसे ही बच्चा 9th 10th में होता है पहले ही वो अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के बोलता है कि मैं तो लोकल पढ़ूंगा ही नहीं, चाहे कितने बड़े शहर में क्यों ना रहते मैंने बाहर पढ़ना है, मैंने बाहर जाना। बिल्कुल सही कहा आपने अंजुमन सर जी, क्योंकि देखा जा रहा है आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा गलत तरफ जा रही है। बात करें अगर हाल ही में मैंने देखा कि कुछ यंगस्टर्स हैं कुछ नौजवान बच्चे हैं वो गलत राह पे चल पड़े हैं, और बात करें अगर ड्रग्स की कुछ ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, तो इस बारे को लेकर आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी सोच है कि बच्चों को जो संस्कार है पेरेंट्स को बचपन में ही देने चाहिए। आपकी सोच बहुत अच्छी है और मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर्स जो है वो भी इस चीज को फॉलो करें और अपने बच्चों को जो है संस्कार वो बचपन से ही देने स्टार्ट करें। उसी वक्त
बच्चे सीख सकते हैं, क्योंकि एक बार बच्चा बड़ा हो गया फिर बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। एंड में मैं ये चाहूंगी आप कोई अच्छा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए दिए कि जिससे आपकी सोच उन तक पहुंचे। यहाँ फिर बात आ गई सोच। आपने जब सोच वर्ड लेते हो तो मैं सच में कहती हूँ सारी दुनिया खेल जो है वो सोच का है। दुनिया सोच पे खड़ी है। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा होना चाहिए हमारा। सोच बड़ी होगी तो काम बड़ा होगा। जैसी सोच वैसा संसार। जब मर्जी देख लेना कि जैसा आप सोचेंगे वैसा होके ही रहेगा, क्योंकि ईश्वर जो है भाव के भूखे हैं। जब जिस सोच के साथ आप दो काम करते हो, सफलता असफलता आपकी सोच पर जाती है। सोच क्या है? मैंने अंदर से सोचा, किया मैंने कुछ, यानी कि मनसा वाचा कर्म। जैसे ही मन में सोच की वैसे ही हमने कर्म किए, वैसे ही कर्म करके देखिए आप। सोच अच्छी रखे, अच्छे काम करें। हम कभी भी ये ना सोचे कि उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे किया। नहीं, हमें कंपैरिजन नहीं करना है। हमने बच्चों में अच्छे संस्कार देने हैं। एक बात और बता दूं, अभी आपने पूछा था मेरे से क्वेश्चन कि मैम और क्या करने जा रही हूं। अभी जो मैं करने जा रही हूं, एक तो मैंने सोचा है गीता, रामायण, दुर्गा स्तुति, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये जो चीजें जो मैं कर सकती हूँ, खुद कर सकती हूँ, तो ये बच्चों में मैं जल्दी ही ऑनलाइन और ऑफलाइन शुरू करने जा रही हूँ बच्चों में। दूसरा क्या है कि मैंने ये सोचा है कि पूरी लाइफ जो है एक मतलब लगा लीजिए कि हम 100 साल तक जी सकते हैं बच्चे, बड़े आराम से, बड़े अच्छे से, पूरे तंदुरुस्त होकर हम जी सकते हैं। कैसे? 2 से 12 साल तक के बच्चों के एक मैंने किड्स का क्लब बनाया है। 13 से 19 साल तक, यानी कि 13 to 19 टीनएजर्स आता है। इसके अंदर पेरेंट्स इतने परेशान हैं कि बच्चे कंट्रोल में ही नहीं आते। तो उसके बाद 20 to 40 का यूथ का मतलब ये ऐसा दौर होता है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं। हमने अर्निंग करनी होती है, बच्चों को सेट करना होता है। 40 to 60 के बीच में बच्चों की मैरिज करनी होती है ना। तब हम इसी बोझ तले करते 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 60 तक पहुंच जाते हैं। आपको ये सोच कैसे आई? आपने ये बहुत अच्छी चीज, आपने बहुत ही बढ़िया चीज सोची, तो ये सोच कैसे आई आपको? शीतल जी, आपको मैं क्या बताऊं, ये जो सोच आती है ना, ये ईश्वर प्रेरित करते हैं आपको, प्रेरणा देते हैं अंदर से प्रेरणा। क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों में बैठते हैं, अच्छी बातें सुनना, ये सब मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं और उनको सुनती हूँ। आजकल तो दुनिया मुट्ठी में, आपके पास है क्या नहीं है। अगर अच्छी ये मोबाइल की आप बात करो ना, अगर इससे अगर अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही आपका गूगल गुरु बन चुका है। अच्छे से बच्चों को सिखाओ, लेकिन मतलब आप इस बात का ध्यान रखोगे कि इसमें बच्चा देख क्या रहा, सुन क्या रहा। तो ये 62, फिर मैंने 80 मतलब 100, तो यानी कि 100 प्लस तक हमने पूरी प्लानिंग की हुई है। और भी मैं बता दूं कि वृद्ध आश्रम, यहाँ भी डे केयर सेंटर है, यहाँ स्वादी में डॉक्टर कस्तूरी दालची है मेरे ख्याल, वो हमने बनाया, उसके भी हम मेंबर हैं। 10 से 15 एनजीओ के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरा कोई अर्निंग का वो नहीं है कि मैंने वहां से अर्न करना है। एनजीओ के थ्रू हम अपने पॉकेट से लगा के, अभी भी मैं एक मैसेज और देना चाहूंगी, मैं कुछ बच्चियां भी अडॉप्ट करने जा रही हूँ, उनको उनकी एजुकेशन, उनकी मतलब शिक्षा दीक्षा जो भी है, हम मिलके टीम बना के हम करेंगे। बहुत बढ़िया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, और मुझे उम्मीद है मेरे व्यूअर्स को भी इनकी बातचीत, इनकी सोच बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और कमेंट बॉक्स में इनके लिए क्या राय है, क्या सोच है आपकी, वो जरूर लिखें। नारी शक्ति के अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखें हमेशा याद।